हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती सिंह और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी क्लास क्या है, 19वीं क्लास है। क्लास 18 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आपको पता है कि रुक्मणी पब्लिकेशन चल रहा है। तो ये क्लास क्या है हमारी, अभी फिलहाल RRB ALP टेक्नीशियन का क्लास है, जो कि ये 13/8/2018 शिफ्ट 2 का है। शिफ्ट 1 का कंप्लीट हो चुका है और आज की क्लास क्या है, शिफ्ट 2 की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए, यानी कि 1732 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का क्वेश्चन जो है 1733 से। क्वेश्चन हमारा ये है कि नीचे दिए गए चित्र को चार उत्तर दिए गए हैं, यानी कि एक चित्र दिया गया है जिसमें कि चार उसके ऑप्शन हैं। और आगे कहा जा रहा है कि चित्र में से एक सन्निहित किया गया उपरोक्त समस्या चित्र का समाविष्ट करने वाला सही चित्र कौन सा है। यानी कि एक फिगर दिया गया है, जैसा कि आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है और मैंने बना भी दिया है। एक फिगर दिया गया है और कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन में वो फिगर जो है किसमें वो अडजस्ट है, यानी कि सम्मिलित है, वो है बट दिख नहीं रहा है। आपको चूज करना है कि वो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको सामने है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में ऐसा कहीं भी कोई फिगर नहीं दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए, तो दूसरे ऑप्शन में भी कहीं भी ऐसा फिगर आपको नहीं दिख रहा है। देखिए उसके बाद क्या है आपका तीसरा फिगर, देखिए तो तीसरे फिगर में नहीं है लेकिन चौथा फिगर में आपको है, जो कि मैंने बना दिया है। ठीक है, तो देखिए चौथा फिगर में क्या है कि चौथा फिगर में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है ये जो वर्टिकल्स लाइन है, जो ये आपका क्या है वर्टिकल लाइन है, ये आपका हो गया वर्टिकल्स लाइन। फिर जो आपका ये तिर्यक लाइन है, तो ये आपका हो गया क्या तिर्यक लाइन। ठीक है, आप मैंने डबल हो गया है, आप समझ जाइएगा, ये आपका तिर्यक लाइन है। फिर उसके बाद ये रेखा है, तो उसके बाद ये भी रेखा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आधा तक गया है, तो इसको हम यहाँ आधा तक लेके गए। उसके बाद कोई भी फिगर हो, लेकिन ये फिगर इसमें तो है ना, बस हमको यही देखना है। यानी कि आपका पहला क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप शब्द युग्म का चयन करें और विकल्पों में से आप इसमें चयन करें। यानी कि इसमें एक संबंध दिया गया कि घोड़ा का संबंध पोनी से है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है ऐसे ही सही होगा। तो बेटा का संबंध बेटी से बिल्कुल नहीं, कीड़ा का संबंध जो है इसमें इल्ली से है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका सीरीज से है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है सीरीज से है। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाई गई संख्या अनुपस्थिति दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। ठीक है, यानी कि हमारा क्या दिया गया है, सीरीज दिया गया है, जिस सीरीज में जो है एक मिसिंग नंबर है, उसी मिसिंग नंबर को हमें निकालना है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो क्या है हमारा 8, 12, 16, 20 और क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें क्या चल रहा है। तो 8×4 क्या हो जा रहा है 12, 12×4 16, 16×4 20, तो 20×4 भी यही हम करेंगे, तो 20×4 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा फिगर से। तो फिगर देख लेते हैं हम लोग, तो प्रॉब्लम फिगर है जिसमें कि ये फिगर दिया गया है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहला में क्या कर दिया गया, ऐसा कुछ घर बनाया गया है। पहले हम बना ही देते हैं फिगर, ऐसा कुछ है जिसमें एक गोला बनाया गया है, जिस गोला को पहले बीच में प्लस कर दिया गया है, उसके बाद तिर्यक रेखा से देख लीजिए, एक सीधा है और एक तिर्यक है। ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरे में भी एक सर्कल बनाया गया है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है और इसमें सामने सामने भुजा से मिलाया गया है। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, एक स्क्वायर ऐसे बनाया गया है और इसको सामने सामने से मिलाया गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले तो ये सामने सामने यानी कि ऐसा है, तो दूसरे में क्या होगा, नहीं सॉरी, बीच में भी तो कुछ है ना, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो अब ऐसा है तो आगे जो दिया गया क्वेश्चन मार्क्स में कैसा होगा, तो सिंपल सी बात है, पहले तो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई था तो अब होगा प्लस, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक में प्लस था एक में मल्टीप्लाई था, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ क्या है भुजा से सामने सामने मिला है, तो अब यहाँ क्या होगा तिरछा तिरछा
मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा भी यहाँ था, एक सामने सामने मिला था, एक तिरछा मिला था, यानी कि ये ऑप्शन जिसमें होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप तीसरा देख सकते हैं, तीसरा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, और तीसरा जो है वो बी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रेखाओं की संख्या, हॉरिजॉन्टल लाइन ने सीधी रेखा का संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। चलिए ये हमारा फिगर है जिसमें क्या 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 देखना है, सीधी रेखा इसमें काउंट करना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें क्या है, चार स्क्वायर दिया गया है, चार स्क्वायर दिया गया है, तो चार चार तीनों में होगा रेखा, यानी कि 12 तो यही हो जाएंगे। फिर भी देखिए, पहले हम इस स्क्वायर को लें तो एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, यानी एक में हमारा चार रेखा हो गया, ठीक है। अब इसको लिया जाए तो एक रेखा ये हो जाएगा, जैसे कि ये बिल्कुल पूरा एक रेखा, ये पूरा एक रेखा ये होगा, पूरा एक रेखा जो है ये हो जाएगा, और एक पूरा रेखा ये हो जाएगा, यानी कि प्लस चार ये भी हो गया। वैसे ही इसमें भी एक दो तीन चार, चार इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और एक रेखा जो है बीच से कट किया गया है, एक ये हो जाएगा, यानी कि आपके इसमें जो हो जाएंगे नंबर ऑफ लाइन की संख्या जो हो जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन हमारा ये है कि कुछ इसमें साइन है, कुछ अल्फ़ाबेट है और कुछ डिजिट है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि दिए गए अनुक्रम में प्रत्येक पद को बाईं ओर से उसकी स्थिति के अनुसार एक दो तीन के क्रम में संख्याओं को प्रदर्शित किया जाए, यानी कि जो दिया गया है आपका अल्फ़ाबेट है, साइन है और डिजिट है, बाईं तरफ से, बायां क्या होता है आपका LHS, यानी कि हमारा बायां पक्ष ये होता है और दायां पक्ष उस साइड का हमारा होता है, ठीक है। यानी कि बाएं तरफ से आपको जैसे हम गिनती काउंट करते हैं एक दो तीन, वैसे ही काउंट करना है, जैसे कि ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह। क्या कहा गया है कि जो आपको ये दिया गया है संख्या, उसको बाएं तरफ से, जैसे एक दो तीन आप इस संख्या को लिखना है हमको, ठीक है। एक दो तीन मैंने पंद्रह तक था, पंद्रह तक लिख दिया। अब कहा जा रहा है तो प्रतीकों के लिए निर्धारित संख्याओं का कुल योग कितना होगा, यानी कि जहां आपका सिंबल दिया गया है, जहां आपका सिंबल दिया गया है और जहां हम उस संख्या को काउंट किए गए हैं, यानी कि एक दो तीन लिखा गया है, उस जिसमें आपका सिंबल है वो किस नंबर पे वो सिंबल है उसको हमें काउंट करके योग निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, प्लस है, प्लस जो है दूसरे स्थान पे है, तो मैंने दो लिख दिया। फिर यहाँ डॉलर है, डॉलर जो है छठे स्थान पे है। फिर उसके बाद देखिए हैज है तो सातवें नंबर पे है। फिर आपका क्वेश्चन मार्क्स दसवें नंबर पे, स्टार जो है ग्यारहवें नंबर पे है, और आपका एज द रेट जो है आपका 13 नंबर पे है, ठीक है। अब कोई साइन नहीं बचा है, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 एक 4, फिर ये तो 0 ही है, 7 4 11, 11 6 17 और 17 2 19 हो जाएगा, ठीक है। आपका कैरी 1, ये 1 हो गया, ये 2 3 1 4 आपका जो था, जिस नंबर पे हमारा सिंबल था उसको मैंने ऐड किया तो 49 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो ना तो एथलीट हैं और ना ही शिष्ट यानी कि अनुशासित हैं तो कितनी है, यानी कि इसमें छात्रों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है, जो कि ना ही आपके एथलीट खेलते हैं और ना ही वो अनुशासित हैं। तो देखिए क्या है, सर्कल जो है आपके खिलाड़ी हैं, जो आपका स्क्वायर है वो अनुशासित बच्चे हैं, ट्रायंगल जो है लड़कियां हैं और ये आयत जो है लड़के हैं, और पूछा गया है कि इसमें जो है ना ही एथलीट्स खेलने वाले हो चाहिए और ना ही अनुशासित, यानी एथलीट्स जो है आपके खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स में ही आएंगे, यानी कि आप खिलाड़ी एथलीट्स को मान सकते हैं। तो उसमें पूछा गया कि ना ही एथलीट्स होने चाहिए और ना ही अनुशासित, ठीक है, लड़कियों की बात की ही नहीं गई है। तो उसमें जो है आपके कितने छात्र होंगे, तो कितने हो जाएंगे, यही 10 हो जाएंगे, क्योंकि पूरे में आपके खिलाड़ी यानी कि एथलीट्स नहीं होने चाहिए और अनुशासित बच्चे भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये भी कट और ये भी कट, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे 1:1, देखिए आपका स्क्वायर के अंदर आ जा रहा है, इसलिए इस 1 को हम नहीं लेंगे, बचा क्या 10 हो जाएगा, जो कि 10 ही जो है आपके सर्कल के भी अंदर नहीं है और इस स्क्वायर के भी अंदर नहीं है, तो आपका 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक
चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन करें। तो बाइबल का संबंध कुरान से है, तो बाइबल क्या है, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, और कुरान क्या है, मोमडन यानी कि मुस्लिम लोगों का भी का ये धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो ऐसा ही कोई पेयर हमको चूज करना है जो कि ग्रंथ से अगर ये है तो जो पेयर हो बिल्कुल सेम चीज़ से हो पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पूजा का स्थान से, तो कोई पेयर नहीं है पूजा का स्थान से। दूसरा है मंदिर का प्रार्थना से, तो मंदिर का प्रार्थना से भी कोई स्थान नहीं, कोई आपका पेयर नहीं है। तीसरा है भगवान और मनुष्य का, तो भगवान और मनुष्य का भी कोई संबंध नहीं है। बचा क्या, सेब और संतरा, तो सेब और संतरा का ही संबंध है क्योंकि बाइबल और कुरान जो है एक ग्रंथ का नाम है, तो सेब और संतरा क्या है, फल का नाम है, यानी कि सेम पेयर बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज से, तो अब मिरर इमेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो देखिए आईने को ए और बी रेखा पर रखने पर आपका ये दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। ठीक है, तो ये आपका फिगर है, तो आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, अपर डाउन चेंज नहीं होता है, यानी वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी पास की चीज़ें पास बनती है और दूर की चीज़ें दूर बनती है। ठीक है, देखिए ये गोला यहाँ है तो यहीं बनेगा, फिर आपका जो फिगर है वो सिंपल सी बात है ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बन गया। उसके बाद ये जो है ऐसा है तो आपका ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है पास की चीज़ें हैं तो ये पास की चीज़ खाली रहेगा, और ये दूर है तो दूर का जो है ये आपका भरा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिरर इमेज कि पास की चीज़ें यानी कि ये दर्पण के पास का खाली स्थान था तो दर्पण के पास का ये खाली हो जाएगा, और दर्पण के दूर का भरा हुआ है तो भरा हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन में सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अपोजिट में है, डी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है। बचा क्या, ए और डी, तो ए में देखिए आपका जो बिंदु था ए में तो बिल्कुल सही है, जहाँ बनना चाहिए वैसा ही बनेगा, लेकिन बी में देखिए क्या है, आपका जो बिंदु बना है वो इधर बना है, इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आपका कथन जो है, पहले तो क्वेश्चन है कि 50 छात्रों के एक कक्षा में ऊपर से x का क्या स्थान है। क्या कहा जा रहा है कि 50 छात्र हैं, आपके 50 छात्र हैं और x का जो है आपका ऊपर से क्या स्थान है। ठीक है, ऊपर से क्या स्थान है, तो चलिए पहला कथन देखते हैं। तो कथन है कि y का स्थान x से 4 स्थान नीचे है और नीचे से 30वें स्थान पर। क्या है, y जो है आपका नीचे से, क्या नीचे से जो है y का स्थान 30वां है और y जो है x से 4 स्थान नीचे है, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी x का स्थान ये है। ठीक है, यानी कि तीसरे 30वां ये जो y का स्थान है नीचे से 30वां स्थान हो गया, तो ऊपर से क्या हो जाएगा, आपका 20वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से 20वां स्थान, तो 20 में से 4 घटा दीजिए, आपका ये x 16वें स्थान पे होगा। ठीक है, अब दूसरा यानी कि पहले ऑप्शन से भी आपका x का ऊपर से स्थान निकल सकता है। दूसरा में क्या है कि z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है और नीचे से 32वां स्थान है। क्या है, यहाँ z है यानी कि ये 50 लोग हैं और z का स्थान क्या है, आपका नीचे से क्या है, 32वां है। यही कहा गया है ना कि नीचे से 32वां स्थान क्या है, z का है, और x z का स्थान x से 2 स्थान ऊपर है, x से 2 स्थान ऊपर है, यानी कि 1, 1 ये और 2। ठीक है, यानी कि 2 स्थान आपके ऊपर हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ x हो जाएगा, यानी कि 34 नंबर पे आपका क्या है, x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे से है ना, तो ये आपका ये 30वें स्थान पे क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि नीचे से जब 30वां स्थान पे क्या है x है, तो ऊपर से 20वां स्थान पे होगा क्योंकि 85 लोग हैं। ठीक है, तो यानी कि आप पहले ऑप्शन से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरे ऑप्शन से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा या तो आप 1 से भी निकाल सकते हैं या तो आप 2 से भी निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन आपका पर्याप्त है।
तो मृणाल की उम्र कितनी है? मृणाल की उम्र कितनी है? तो कथन है मृणाल की माँ उसकी 20 वर्ष बड़ी है। मृणाल की माँ क्या है? उससे 20 वर्ष बड़ी है। और दूसरा है कि मृणाल का भाई उसकी तुलना में 3 वर्ष छोटा है। तो आप निकाल के देखिएगा, आपका 1 और 2 मिला के भी हम निकाले तो हम नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि दोनों ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आप क्या है क्वेश्चन क्या है हमारा कि नीचे दी गई सूचना को पढ़ें और उसके आधार पर प्राप्त होने वाले उचित निष्कर्ष का चयन करें। ठीक है, तो इसमें नीट है। नीट ने इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की गई हैं, यानी कि नीट का एग्ज़ाम देना है और उसमें ये कुछ शर्तें दिया गया है कि अगर ये शर्त जो है बच्चों में वो है तो वो एग्ज़ाम देंगे, अदरवाइज़ वो नहीं देंगे। तो आपका पहला है शर्त कि परीक्षार्थियों को 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान के वर्ग में न्यूनतम 50% सहित उत्तीर्ण होने चाहिए। यानी कि 12वीं कक्षा में जो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और आपका बायोलॉजी में जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा है कि 31/3/2018 को परीक्षार्थी आयु 17 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 तक की जो स्टूडेंट्स की आयु जो है, यानी कि एज जो है आपके 17 वर्ष होने चाहिए। तीसरा क्या है कि परीक्षार्थी द्वारा कक्षा में 12वीं में जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन विषयों का चयन करना चाहिए, यानी कि परीक्षार्थी का क्या है, ये तीनों विषय भी चयन करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको देखते हैं हम लोग कि कौन से बच्चे जो हैं इस रूल को फॉलो करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो पहला क्या है कि परीक्षार्थी 1 जो है राम की जन्मतिथि जो है 14/5/2001 है, यानी कि वो 17 एज का हो जाएगा, 2018 में आते आते 17 साल का वो हो जाएगा। ठीक है, उसने गणित, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान में 40% अंक प्राप्त किए हैं, तो यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि 40% नहीं, न्यूनतम वो 50% कहा है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि इसके मार्क्स कम आ गए हैं। ठीक है, दूसरा जो विद्यार्थी है उसका जो है श्याम की जन्मतिथि 16/8/2000 है, 16/8/2000 है, यानी कि 17 साल का वो हो जाएगा 2018 तक। ठीक है, यानी कि पहला वो शर्त पास हो गया है। दूसरा है कि उसने जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र में 60% अंक प्राप्त किए हैं, तो ये भी है क्योंकि उसने मांगा कितना था, न्यूनतम 50% और इसका 60% है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप कहेंगे कि मैम पूरा एक शिफ्ट एक ही क्लास में करिए, तो देखिए दिक्कत हो जा रहा है बड़ा वीडियो बनने के बाद, उसमें ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो चलिए इसको हम 2 पार्ट में ही बनाएंगे, कम से कम कंटिन्यू डेली एक वीडियो अपलोड हो। ठीक है, तो 30 मिनट का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 19×23 बराबर क्या है आपका, है आपका 437। तो पूछा जा रहा है कि 190×0.03 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जब 19 का 23 में मल्टीप्लाई किया गया तो 437 आ गया। ठीक है, जब 190 का 0.023 में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा। ठीक है, आप एक मिनट के लिए हम इस पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ 190 करते हैं और यहाँ हम 023 करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपको पता है जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, आगे आप चाहे कितना भी जीरो रख दें कोई वैल्यू उसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, यानी 190 का 23 में यदि गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 19 का जब 23 में मल्टीप्लाई किया गया तो 437 आ गया, तो 190 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4370, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 4370 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हमने किया तो इतना आ गया। ठीक है, अब देखेंगे कि जो आपका दशमलव है कितने अंक के बाद लगा था, तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, यानी कि आपका यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि 4.370 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन चेक करेंगे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।